गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन जो पढ़ रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड, ये टॉपिक अपना चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इसके अंदर वो हैं, फर्स्टली अपन ने जो इंट्रोडक्शन देखा था और जो एनवायरनमेंट था उसके बारे में देखा था। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है वो अपन ने इसके अंदर देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज अपन जो पढ़ेंगे थर्ड वन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो है अपन देखेंगे इम्पैक्ट, देखेंगे इसके अंदर इम्पैक्ट क्या, मतलब एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड एंड फैमिली के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो अपन देखते हैं इसके अंदर। पहले अपन देखेंगे फैमिली के ऊपर, देन उसके बाद देखेंगे अपन बच्चे के ऊपर, जो चिल्ड्रंस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, एक तरीके से जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली देखते हैं अपन इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स, रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब एक तरीके से पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द पेरेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटलाइज चाइल्ड एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन स्ट्रेस एज ए रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके कारण इस पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके पेरेंट्स एक्सपीरियंस तो इंक्रीज द स्ट्रेस, उनके अंदर क्या होता है स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा होता है। इस रिजल्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई कारण हैं, कई कोज ऐसे हैं जिसे बात सकते हैं जिसके कारण क्या होते हैं बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके बारे में कौन कौन से हैं। फर्स्टली है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्डनेस, बच्चे के जो सबसे ज़्यादा जो बच्चा बीमार हो रखा है उसके बारे में नॉलेज नहीं होना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होना, तो उनके कारण क्या होती है उनकी टेंशन बढ़ी रहती है, एक तरीके से स्ट्रेस में रह जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या कंडीशन हो रखी है, उनको नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, उस बीमारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। तो ये कारण है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है एंड नॉलेज नहीं है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, उस रिलेटेड के कारण क्या होते हैं चाइल्ड इलनेस जिसके कारण क्या हो रहा है उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फियर ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का क्या प्रोसीजर होगा क्या ट्रीटमेंट होगा उनको कुछ पता नहीं है, उसके लिए डर लगता है, उस चीज़ से उनको क्या लगता है डर लगता है, वो डर के कारण क्या होता है स्ट्रेस में, पेरेंट्स का तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। फियर ऑफ अननोन दैट व्हाट विल हैपन टू चाइल्ड इन फ्यूचर, कि वो क्या है कि बच्चे के साथ क्या होगा फ्यूचर के अंदर क्या होगा वो जानते नहीं हैं, कि वो क्या है एक तरीके से डर है उनको कि उन चीज़ से फियर है उनको, एक तरीके से डर है उनको, अनजान हो कि उस चीज़ का डर है कि उनको अनजान है कि व्हाट विल हैपन क्या होगा, क्या हुआ है, कैसे होगा द चाइल्ड इन फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट हैपन फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, उसको डर के कारण क्या हो जाएगा उनको अनजान उस चीज़ से, तो इस कारण भी क्या होता है स्ट्रेस बढ़ता है। फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली, सबसे ज़्यादा है कि जो फैमिली के अंदर फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन है फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्या इतना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा, इतना फैसिलिटी है नहीं है, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन वाले पेरेंट्स जो होते हैं मतलब बोल सकते हैं फैमिलीज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इसके कारण भी क्या होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये चार कारण हैं जिनके कारण क्या होते हैं जो प्रभाव पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस कंडीशन बढ़ जाती है। पहला है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड इलनेस, नेक्स्ट है फियर ऑफ प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट एंड फियर ऑफ अननोन व्हाट विल हैपन क्या होगा बच्चे टू चाइल्ड इन फ्यूचर में, एंड फियर ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, इन कंडीशन के कारण क्या होते हैं पेरेंट्स के अंदर क्या होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस के कारण क्या होता है उनकी जो हॉस्पिटल हैं जो बच्चे हैं उनके कारण क्या होता है स्ट्रेस बढ़ के उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है, उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी अंदर कि इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड, कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, एक तरीके से देखते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अपन, क्योंकि बच्चे भी एडमिटेड होते हैं, बच्चे तो एडमिटेड होते हैं, तो वो एक घर के माहौल में रहकर अचानक से हॉस्पिटल में चले जाना, अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो जाना, अचानक से उनको बिल्कुल अलग से दिखाई देना, तो उनका क्या हो जाएगा रिएक्शन क्या होगा अलग ही दिखाई देगा,
कुछ चेंजेज आ जाएंगे, उनके वर्बली में चेंजेज आ जाएंगे, फिजिकली में चेंजेज आ जाएंगे, वो कुछ बात और कुछ और करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उनके अंदर चेंजेज आना होना स्टार्ट हो जाए। तो उनके ऊपर बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं अपन। इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड। हॉस्पिटलाइजेशन इज ए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। जो इन्फेंट हैं और चिल्ड्रन, उनके लिए बिल्कुल ही एक तरीके से नया एक्सपीरियंस होता है। हॉस्पिटलाइज एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके लिए बिल्कुल एक चीज़ नई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही एडमिट होते हैं, उनके लिए वो अनजान होते हैं ऐसे। तो और जैसे होते हैं एक नई चीज़, अलग से एक माहौल दिखता है, एनवायरनमेंट दिखता है। इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पीडियाट्रिक पेशेंट डिपेंड अपॉन देयर एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो प्रभाव है, जो बच्चे एडमिटेड हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटलाइज है, वो डिपेंड करता है उनकी एज और स्टेज के ऊपर। जो प्रभाव है वो डिपेंड करता है उनकी एज क्या है, उनकी कौन सा डेवलपमेंट पड़ रहा है, तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग उनके ऊपर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है। क्या पता नियोनेट है, उसको कुछ आज पता ही नहीं होता क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो जानता ही नहीं है। और एक अडोलसेंट है, वो सब कुछ जानता है, तो उसका रिएक्शन अलग होगा, नियोनेट का अलग होगा, इन्फेंट का अलग होगा, प्री स्कूल का अलग होगा, स्कूल एज का अलग होगा, सबका अलग अलग। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनके क्या होते हैं प्रभाव बढ़ते चल जाते हैं, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू एज एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं उनके रिएक्शंस, उनके क्या होते हैं चेंज होंगे, उनके प्रभाव भी क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो उस हिसाब से देखते हैं, फर्स्टली देखेंगे रिएक्शन ऑफ नियोनेट। तो इसके अंदर देखते हैं कि नियोनेट जो होता है 0 to 28 डेज के जो बच्चा एडमिटेड हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, वो अपन देखते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रोलॉन्ग इलनेस इन नियोनेटल पीरियड इंटरप्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्थी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप एंड फैमिली इंटीग्रेशन। मतलब इसका यह है कि अगर बच्चा नियोनेटल पीरियड के अंदर, अगर बच्चा लंबे टाइम तक बीमार पड़ता है, लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है, तो उसकी अर्ली स्टेज जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए उसके अंदर इंटरप्ट आ जाएगा, उसके अंदर बाधा आ जाएगी, अरर आ जाएंगे। क्यों? वो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा ऑफ ए हेल्थी मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जो मतलब जो बच्चा चाहे जो रिलेशनशिप है मदर एंड बच्चे का, जो रिलेशनशिप है उसके अंदर हेल्थी जो होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। एंड फैमिली इंटीग्रेशन और परिवार के अंदर, मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन है, एकता बनी रहती है, वो नहीं रहेगी। कब? जब नियोनेट बच्चा अगर लंबे टाइम तक बीमार रहता है और लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो उनके बीच में इंटरप्ट अर्ली स्टेज के डेवलपमेंट के क्या होता है, इंटरप्ट आ जाएगा ऑफ ए हेल्थी मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर। बच्चे और माता के रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, एक तरीके से बाधा आ जाएगी, वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी जो पहले, जो घर के अंदर जो पास में जो बॉन्डिंग रहती है वो बॉन्डिंग नहीं बनती है, वो प्रॉपरली बॉन्डिंग नहीं बनाती है, फैमिली इंटीग्रेशन प्रॉपरली, एक परिवार की जो एकता है, एकीकरण है, वो नहीं हो पाता। वो कंडीशन क्या हो जाएगा, इंटरप्ट आ जाएगा। कब? जब बच्चा लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहेगा या लंबे टाइम तक वो एडमिटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कि क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन नेक्स्ट है, सेकंड रिएक्शन है कि जो नियोनेट है उसके अंदर इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू लव एंड केयर फॉर द बेबी एंड इनएबिलिटी ऑफ बेबी यहाँ पर इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी की जगह का लेना है बेबी टू रेस्पोंड टू पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स आर कॉमन रिएक्शन ऑफ द नियोनेट्स। इसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, इम्पेयरमेंट मतलब हानि हो जाती है, बाधा आ जाती है बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशन, जो बॉन्डिंग बहुत अच्छा बॉन्डिंग अटैचमेंट एंड ट्रस्टिंग यानी वो एक तरीके से विश्वासदायक जो रिलेशनशिप है उनमें क्या होते हैं, एक तरीके से हानि हो जाती है, बाधा आ जाती है। इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, इनएबिलिटी में एबल नहीं होते, सक्षम नहीं हो पाते हैं पेरेंट्स टू लव एंड केयर फॉर द बेबी, बच्चे को प्यार करने में या केयर करने में वो इनएबल हो जाते हैं, वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ जाती है, जो बच्चे को जो प्यार जो घर पे जो नॉर्मली कंडीशन में दे सकते हैं वो हॉस्पिटलाइज चाइल्ड बच्चे को नहीं दे सकते हैं, वो केयर नहीं कर पाते उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस वाली चिंता बनी रहती है और वहाँ पर वैसे भी हॉस्पिटलाइज के अंदर स्टाफ हो जो वो भी टच नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन को भी अपन देखते हुए चलते हैं। तो वो कंडीशन में क्या होते हैं, जिससे क्या हो जाएगा बॉन्डिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएबिलिटी ऑफ द बेबी टू रेस्पोंड टू पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर अ कॉमन रिएक्शन ऑफ द नियोनेट, और वो भी जो बच्चा होता है जो नॉर्मली जो रिएक्शन कर रहा है
जो फैमिली टाइप के जो बच्चे हॉस्पिटल जो घर पे रहते हैं तो रिएक्शंस करते हैं, स्माइल करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर वो सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो एक्टिविटी जो लव जो प्यार है वो नहीं बता पाते हैं, वो अपने अगर रिएक्शन नहीं कर पाते। इनएबिलिटी टू द बेबी रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर, उनको रिस्पॉन्स नहीं करता, कॉमन रिएक्शन ऑफ द न्यूनेट, जो नॉर्मल न्यूनेट जो रिएक्शन करता है वो रिएक्शन नहीं कर पाता है हॉस्पिटलाइज। तो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो दो कंडीशन हो जाएगी कि बच्चे की, पहली बात तो जो लंबे टाइम तक एडमिट होगा तो उसके जो अर्ली स्टेज और मदर रिलेशनशिप है उसमें क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। दो कंडीशन हो जाती है, जब नियोनेट क्या हो जाए, हॉस्पिटलाइज चाइल्ड हो जाता है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसी के अंदर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ इन्फेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ इन्फेंट, कि इन्फेंट जब एडमिटेड होता है तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं। हॉस्पिटलाइज चाइल्ड जब बच्चा एडमिटेड हो जाता है कि इन्फेंट भी जो 28 डेज से लेकर, मतलब आ सकते हैं अपन कि 1 मंथ के बाद से लेकर 1 ईयर 12 मंथ तक का जो बच्चा एडमिटेड होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अपन देखते हैं। इन्फेंट रिएक्शन आर मेनली सेपरेशन एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक ट्रस्ट when the infant separated from mother and when illness and hospitalization। infant का reaction mainly separation anxiety, सबसे ज़्यादा जो infant होता है कि अलग करते हैं mother से, मतलब separate करते हैं तो वो anxiety बढ़ जाती है, separation anxiety start हो जाती है उसका, उसको मतलब कि चिंता हो जाती है, anxiety हो जाती है कि अपने mother से अलग क्यों हो गए। क्यों, आपने देखा होगा कि जो बच्चा 6 मंथ का होता है, फोर मंथ के बाद से 6 मंथ का है, 7 मंथ 8 मंथ का, 1 ईयर का जो बच्चा होता है, कि आप उसको मदर के लिए थोड़ी देर भी उसको दिखाएं, उसकी मदर आसपास नहीं दिखती ना तो ऐसा लगता है कि मेरी मदर खाएं, तो अपने आप को माँ माँ स्टार्ट कर देता है, मेरी मम्मी खाएं, वो देखना स्टार्ट कर देता है चारों तरफ और रोना स्टार्ट, क्राइंग करना स्टार्ट कर देता है, तो एक तरीके से सेपरेशन एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है इन्फेंट रिएक्शन की बात है। एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द डेवलपमेंट बेसिक ट्रस्ट, जो बेसिक ट्रस्ट बनता है उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर जो बेसिक जो बोल सकते हैं कि विश्वास बनता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। व्हेन द इन्फेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, जब मदर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एंड व्हेन इलनेस एंड हॉस्पिटलाइज, और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और मदर से अलग हो जाता है, तो जो बेसिक ट्रस्ट है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाता है। और इन्फेंट का रिएक्शन क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, जब मदर से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। क्यों, हॉस्पिटलाइज जब इन्फेंट रहेगा तो उसके मदर और बॉन्डिंग जो रहती है, इन्फेंट की जो बॉन्डिंग रहती है प्रॉपरली, जो बॉन्डिंग अटैचमेंट होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो, क्यों बच्चे और माँ को पास पास में नहीं रखते हैं उस टाइम, मतलब थोड़ा रखते हैं कि हाँ जब जरूरत होती है, नीड्स होती है तब बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं रखा जाता उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं अपन कि जो रिएक्शन है इन्फेंट के अंदर, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इमोशनल विदड्रॉल एंड डिप्रेशन आर फाउंड इन इन्फेंट 4 to 8 months ऑफ एज, इंटरफेरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिलेड डेवलपमेंट आल्सो फाउंड। मतलब इमोशनल विदड्रॉल, एक तरह से इमोशनली क्या होता है, इमोशनली विदड्रॉल करता है एंड डिप्रेशन में आ जाता है, इमोशनली बोलने वाला एक तरह से क्या होता है, मुरझा जाता है, बच्चा क्या होता है, एक तरीके मुरझा जाता है, एक सुस्तता हो जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है, बहुत रोने जैसा मुंह हो जाता है उसको। एंड डिप्रेशन आर फाउंड इन द इन्फेंट 4 to 6 months के बच्चा, 8 months का बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, अगर मदर का सेपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाती है। ऑफ एज इंटरफेरेंस टू ग्रोथ एंड डिले डेवलपमेंट आल्सो फाउंड, और क्या हो जाएगा, जिससे कंडीशन से क्या हो जाएगा, उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। अगर बच्चे को 4 to 8 months के बीच में सेपरेशन किया जाता है, उसका रिएक्शन यही होता है कि उसमें इमोशनल विदड्रॉल होते हैं, डिप्रेशन कंडीशन आता है, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट पड़ता है, उसका जो डेवलपमेंट जो जिस एज में होना चाहिए वो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर कि ओल्डर इन्फेंट की बात करते हैं, कि ओल्डर इन्फेंट जो 12 months का बच्चा होता है, 8 to 12 months का बच्चा, वो अर्ली इन्फेंट था, एक तरीके से बात करते हैं 4 to 8 months वाला बच्चा, ये 8 to 12 months जो ओल्डर है, ओल्डर इन्फेंट 8 to 12 months ऑफ एज में हैव लिमिटेड टॉलरेंस ड्यू टू सेपरेशन एंजाइटी विच इज़ फाउंड एज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक्सेसिव क्राइंग, क्लिंकिंग एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मदर। मतलब इसके अंदर किस क्यों क्या होता है कि बच्चा अगर जब सेपरेशन हो जाता है, यहाँ पर मदर से सेपरेशन हो जाता है, तो 8 to 12 वाले बच्चे क्या करते हैं, हैव ए लिमिटेड टॉलरेंस ड्यू टू सेपरेशन, मतलब एक तरीके से लिमिटेड टॉलरेंस करता है, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब कोई चीज़ की, मतलब एक तरीके से जो भी काम करें, एक तरीके से जो करें, वो क्या होता है, लिमिटेड ड्यू टू
सेपरेशन एंजाइटी के कारण कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस एज के अंदर, उधर लिमिटेड टॉलरेंस करते हैं ड्यू टू क्यों सेपरेशन एंजाइटी, मदर से अलग हैं, विच इज़ फाउंड इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। उन्हें क्या लगता है उस कंडीशन में, कोई अजनबी से क्या लगता है, डर लगता है पहली बात तो, क्या लगता है कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी, कोई भी हो, अनजान आदमी हो, उससे क्या लगता है, डर लगेगा। एक्सेसिव क्राई, बहुत तेज़ तेज़ रोना स्टार्ट करेगा। क्लिंगिंग एंड ओवर डिपेंडेंस ऑफ मदर, और वो क्या करेगा, चिपटना स्टार्ट होगा और मदर के क्या होते हैं, वो निर्भर हो जाएगा कि वो क्या, एक मदर पर क्या होता है, निर्भर हो जाता है, एक ओवर डिपेंडेंस हो जाता है मदर के ऊपर, और क्या चिपकना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। कब, जब वो कंडीशन 8 to 12 मंथ, जब बच्चा सेपरेशन लेता है, तो वो मदर की ज़्यादा से ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जाने की कोशिश करता है, एक्सेसिव क्राई करता है, और क्या होता है वो उस कंडीशन में डर लगता है स्ट्रेंजर कोई भी हो, और डिपेंडेंस होना मदर, और डिपेंडेंस हो जाता है मदर के ऊपर। ये रिएक्शंस होते हैं इन्फेंट के, ठीक है। तो इन्फेंट के रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, इन्फेंट के रिएक्शन मैंने अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिएक्शन ऑफ टॉडलर्स कि टॉडलर्स के रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या रिएक्शंस होंगे टॉडलर के, जिसे बात कर सकते हैं अपन। 1, 2, 3 और वाले वाले बच्चे होते हैं, 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अपन जो 1 साल से 3 साल के तक के बच्चे होते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ टॉडलर इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री, ये सेम लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, डिपेंड्स ऑन द दो बार लिखा हुआ है, तो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, फियर ऑफ पेन एंड रेस्ट्रेंट्स। जो रिएक्शन है टॉडलर का, अगर बच्चा बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज में एडमिट होता है, तो उसके रिएक्शन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सेपरेशन, मतलब एक तरीके से डिग्रीज जो बनी हुई सेपरेशन की, कौन से डिग्री सेपरेशन से अकॉर्डिंग है, तो सेपरेशन हुआ है तो वो कौन सी डिग्री पे हुआ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फियर ऑफ पेन, दर्द होगा तो वो डरेगा, तो उसके कारण में क्या होगा, उसके रिएक्शन चेंज होंगे, और रेस्ट्रेंट मतलब उसको बांध दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो टॉडलर उसके भी रिएक्शन चेंजेज होने लगेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। इसी में नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन 1958 से 1963 रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड प्रोटेस्ट, डेस्पेयर एंड डिनाइल और डिटैचमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन ने क्या कहा, रिएक्शन है जो बच्चे के हैं टॉडलर के रिएक्शन, इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं इन्होंने, कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको रिएक्शन जो होते हैं 3 प्रकार से रिएक्शन होते हैं, जो टॉडलर जो होते हैं बच्चे होते हैं उनके 3 प्रकार से रिएक्शन होते हैं। पहला है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से रजिस्टेंस, विरोध करना कोई चीज़ का, लड़ना उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो जाना एक तरीके से, और डिनाइल का मतलब होता है रिजेक्ट करना, उस चीज़ को इनकार कर देना। ये 3 चीज़ के अंदर होता है डिटैचमेंट या डिनाइल, उस 3 चीज़ के अंदर क्या होता है, ये इंक्लूड होता है, उसके अंदर अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहला है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बारे में देखते हैं। इसमें देखो जो टॉडलर जो रिएक्शन है इसके अंदर फर्स्ट है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना है उस चीज़ के ऊपर, मतलब एक तरीके से लड़ना झगड़ना जिसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, द टॉडलर प्रोटेस्ट बाय क्राइंग इज रेस्टलेस अटेम्प्ट टू एस्केप ऑफ फाइंड पेरेंट्स एंड मे वर्बली और फिजिकली अटैक नर्स हु ट्राई टू प्रोवाइड केयर। मतलब एक तरीके से इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है बच्चे की, पहले जो टॉडलर जो रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन ये होता है कि बच्चा क्या करता है, टॉडलर प्रोटेस्ट बाय क्राइंग, मतलब विरोध करता है रोकर अपने आप, मतलब बच्चा क्या इतना तेज रोने का, रोने से बच्चा क्या होता है विरोध करता है, स्टार्ट कर देता है कि स्टार्ट हो गया क्राइंग करना, स्टार्ट किया बहुत तेज चलने लगा, इज रेस्टलेस अटेम्प्ट टू द एस्केप फाइंड पेरेंट्स, और क्या करता है वो फाइंड माता पिता को क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, छानने की कोशिश, मेरी मदर माता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, उनको क्या करता है, छानने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, और मे वर्बली एंड फिजिकली अटैक और नर्स, और जो नर्स होती है उसके ऊपर वर्बली चिल्लाना चीखना करना, और उसके ऊपर अटैम्प्ट करना कोई भी चीज़ के हाथापाई मारना एक तरीके से वो स्टार्ट करता है, एंड हु ट्राई टू प्रोवाइड केयर, जो देखभाल करने के लिए कोशिश करता है, जो भी मतलब जो नर्स है
जो नर्स है जो केयर कर रही है उसकी, उसके ऊपर क्या करता है वो, उसके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है, फिजिकली अटैक करता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, वो पेरेंट प्रोटेस्ट के अंदर वो करता है, मतलब ये रिएक्शन होता है उसके प्रोटेस्ट के अंदर। तो इसका मतलब समरी देखा जाता है इसके अंदर ये है कि बच्चा अपने माता पिता को फाइंड करता है, जो उसकी केयर करता है, उसकी जो नर्स जो केयर करती है उसके ऊपर वर्बली चिल्लाता है, चीखता है, रोता है और उसको मारता है एक तरीके से, मतलब पिटाई करता है, उसको फिजिकली अटैक करता है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती हर चीज़ करता है, वो प्रोटेस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब निराशा एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, जिसे बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं या डिप्रेशन में चल जाना बोलते हैं एक तरीके से। पहले तो वो झटपटाट करने लग गया, नेक्स्ट उसको डेस्पेयर में लेके तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया एक तरीके से, उदास हो गया एक तरीके से। तो द टॉडलर बिकम्स होपलेस, एपैथेटिक, एनोरेक्टिक, लुक्स सैड, क्राई कंटिन्यूसली एंड इंटरमिटेंटली एंड यूज कंफर्ट मेजर लाइक थंब सकिंग, फिंगरिंग टिप लिप एंड टाइटली क्लचिंग ए टॉय। जो एक मतलब इसके अंदर ये है, इसका मतलब ये है कि बच्चा, इसमें बच्चा क्या होता है, टोडलर क्या होता है, पहले तो होपलेस हो जाता है इसके अंदर, होपलेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि निराशा हो जाता है बिल्कुल, क्या कुछ नहीं हो सकता। एपैथेटिक यानी उदासी नहीं हो सकता, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाता उस चीज़ के अंदर, एपैथेटिक हो जाता है, डिसइंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाता, उदासीन हो जाता है एक तरीके से। एनोरेक्टिक, भूख के बारे में वो कुछ ऐसे सोचने जाता है, भूख कम करने लग रही है, वो ऐसे कुछ ऐसे नाटक करने स्टार्ट करता है। लुक सैड, और बिल्कुल जो चेहरा है बिल्कुल ऐसा लगा लेगा बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सैड हो जाएगा उसका चेहरा ऐसे। क्राई कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस रोता रहेगा इसके अंदर। इंटरमीडिएटली एंड यूज, वो कहेगा और इंटरमीडिएटली, कभी कभी कंटिन्यूस रोता जाएगा, कभी रुक रुक के रोता जाएगा, रोता रहता है कंटिन्यूसली, कभी रुक रुक के रोने लग जाता है, या कुछ नर्स को देखकर एक्टिविटीज देखकर फिर रोना स्टार्ट कर देता है, क्या पता वो मत मदर को सब सर्च करना स्टार्ट कर दे, वो कंडीशन है। एंड यूज कम्फर्ट मेजर, और क्या होते हैं यूज कम्फर्ट मेजर लाएंगे, वो क्या कम्फर्ट मेजर करने से जिससे उसको खुशी मिले, उसको शांति मिले, उस कंडीशन वो एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, जैसे थंब सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। थंब सकिंग करके उसको क्या होता है, वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस चीज़ से डिप्रेशन में जाता है, उस कंडीशन को क्या करता है वो रिमूव करने की कोशिश करता है। थंब सकिंग करना, फिंगरिंग लिप यानी कुछ चीज़ को छेड़ाछाड़ी करना, एक बोलते हैं जिसे बोलते हैं अंगुली करना एक तरीके से, उसको छेड़ाछाड़ी करना स्टार्ट कर देता है। एंड टाइटली क्लचिंग ए टॉय, मतलब किसी भी खिलौने को कसकर पकड़ लेना, तेज़ी से पकड़ लेना, उसको छोड़ना नहीं है। उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन है, जब वो बच्चा निराश हो जाता है, उस कंडीशन में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में ये करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है, सेकंड स्टेज है उसकी। ठीक है, पहले में प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करा, सेकंड में क्या हो गया, एक तरीके से होपलेस हो गया, उस कंडीशन में अपने आप को एक्टिविटीज़ के लिए थम सकेंगे और ये करने लग गया। नेक्स्ट है डिनाइल, इसमें क्या होता है, इनकार, रिजेक्ट कर देता है कोई भी चीज़ को, क्या कर देता है ये, रिजेक्ट करता है। तो इसमें देखो, द चाइल्ड रिएक्ट बाय एक्सेप्टिंग केयर विदाउट प्रोटेस्ट एंड रिप्रेस ऑल फीलिंग, द चाइल्ड डज नॉट क्राई इन द एब्सेंस ऑफ मदर एंड मे सीम मोर अटैच्ड टू नर्स। इसमें फाइनली क्या होता है, द चाइल्ड रिएक्ट एक्सेप्टिंग केयर, जो बाय एक्सेप्टिंग केयर बच्चा रिएक्ट करता है, जो भी केयर प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है विदाउट प्रोटेस्ट एंड रिप्रेस ऑल फीलिंग, जो भी फीलिंग्स है उसको रिप्रेस करके, और एक तरीके से प्रोटेस्ट को विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब फिजिकली एक तरीके से मान सकते हैं, फिजिकली अटैम्प्ट करके, वर्बली अटैम्प्ट करके, मदर बिना जो क्राई रोने के बिना, ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। द चाइल्ड डज नॉट क्राई इन द एब्सेंस ऑफ मदर, बच्चा रोता नहीं है अगर मदर पास में भी नहीं है तो भी नहीं रोएगा। एंड मे सीम मोर अटैच टू द मदर और टू द नर्स, और नर्स से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, जो केयर है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मदर नहीं होगी तो रोएगा नहीं, और उसको जो नर्स है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। टॉडलर के अंदर ये कंडीशन होती है, तो ये रिएक्शंस होते हैं, ये प्रभाव पड़ते हैं टॉडलर के ऊपर। तो समझ में आ गया, तो मैंने अभी तक मैंने बताया है इसके अंदर, मैंने रिएक्शन बताया है, नियोनेट के रिएक्शन बताए हैं, उसके बाद इन्फेंट की रिएक्शन बताएं, नेक्स्ट अपन ने बताएं टॉडलर के रिएक्शन बताएं। टॉडलर के अंदर तीन स्टेज होती है, प्रोटेस्ट, डेस्पेयर एंड डिनाइल। प्रोटेस्ट एंड फिजिकली अटैक करना, डेस्पेयर एंड बिल्कुल निराश हो जाना, और उसके अंदर डिनाइल के अंदर रिजेक्ट करना, हर चीज़ को क्या करना, रिमूव कर देना और एक्सेप्ट कर लेना, उनकी जो केयर थी उसको एक्सेप्ट कर लेना, इसके अंदर आता है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। तो आगे अपन नेक्स्ट अपन इसी के अंदर कंटिन्यूस चलेंगे, अपन कल कंटिन्यूस इसी के अंदर रहेंगे। अभी प्री स्कूल एंड स्कूल एज एंड एडोलेसेंट रहा है, वो अभी पेंडिंग है, उसके बाद जो रोल ऑफ नर्स है जो वो भी पेंडिंग है, तो अभी तो चलेगा ये टॉपिक, कल और परसों तक चलेगा शायद। तो इसको पढ़िए, समझिए और नोट्स बना, कंटिन्यूस लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।